म्यूजिक। दिल किसी से क्या लगाए, दूसरा है ही नहीं। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की लिरिकल स्टेटस वीडियो आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन का। तो दोस्तों, अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वाटरमार्क वाला। तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम फोन का स्क्रीन पर ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं फोन का स्क्रीन पर। क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन या क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली टैप करना है। टैप कर लेना, 16 वाला जो डैश यू सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे इमेज पे क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन से एक तो ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। देन जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम इसे कर लीजिएगा। मैं थोड़ा टाइम का बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग करने पर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स इसे लेने के बाद आपको राइट क्लिक करना, ऑडियो पर क्लिक करना, जो भी सॉन्ग पर स्टेटस बनाना चाहते हो सॉन्ग को सिंपली ले लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं इसी वाले सॉन्ग को ले लेता हूँ। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 सेकंड में रख लेता हूँ, और जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिमर पर क्लिक करके इसे टर्म टू राइट अप्लाइड कर देता हूँ। देन यहाँ पे इसे थोड़ा फिंगर की मदद से जूम कर लीजिए ताकि आपको लिरिकल्स ऐड करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स अभी इसे एक बार प्ले करके देख लीजिए फर्स्ट लिरिकल्स आपका क्या है। तो मेरा फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लाइन है दिल किसी से। तो लेयर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे दिल किसी से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, देन ओके कर लेंगे। ओके करने के फ्रेंड्स इसे इसके लेंथ को स्क्रॉल करके लास्ट तक कर लीजिएगा। देन इसे आपको जूम कर लेना, जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं टेक्स्ट को उतना बड़ा कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देन डबल ओ ए का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, तो आपको जो भी फॉन्ट सही लगे उस फॉन्ट को आप ले लीजिएगा। फ्रेंड्स कोई भी फॉन्ट लीजिएगा, थोड़ा बोल्ड टाइप का लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे तब तक के लिए इस वाले फॉन्ट को ले लेता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन इसका कलर यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। मैं ये वाली कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन राइट क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे कलर ये वाला आ गया, देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसे एक एक लाइन, जो एक एक लाइन टेक्स्ट का है उसे कट कर लेना और चेंज करना। तो एक बार प्ले करके मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो दिल किसी से यहाँ पे खत्म हो रहा है, सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ट्रिमर पे क्लिक करेंगे, इसे स्प्लिटेड प्ले हेड कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाला फिर से चेक कर लेंगे क्या लगाएं। यहाँ तक आ रहा है तो सिंपली इस पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ट्रिमो वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ एस्प्लिटेड प्ले हेड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट किए हैं तो उसे चेंज करना है। तो दिल किसी से क्या लगाएं, तो यहाँ पे क्या लगाया आएगा, तो कीवर्ड वाला ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ पे जो पहले से लिखा उसे क्लियर कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे क्या लगाएं, ठीक है। मैंने टाइप कर लिया, ओके कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरा लिरिकल से आपको कंप्लीट कर लेना, जितना टाइम का आप बना रहे हो उतना टाइम कर लीजिएगा। देन आपको ये फर्स्ट वाला जो लाइन है इसके बराबर में आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद लेयर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एफएक्स का जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद पिंच बल्ग ये वाला आपको इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस वीडियो को देख लीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे। तो पिंच बल्ग आप वहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे बल्ग जो लिखा हुआ है तो इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। तो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसे थोड़ा सा कट कर देंगे। तो यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने ट्रिमर पर क्लिक करेंगे, इसे टर्म टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा कट जाएगा बस हमें थोड़ा सा ही चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ पे रख लेंगे। देन यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना, बैक आने सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, इसे ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे ऑन कर दीजिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। या थोड़ा और आप बढ़ाना चाहे तो 2 कर सकते हैं, तो इतना थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आएगा, इस तरह से इफेक्ट आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको इसे इस साइड में कर लेना, पूरे स्क्रीन के बराबर में रखिएगा इस तरह से, और इस साइड में कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको ये डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप इसके इस साइड में आ जाइए परफेक्टली यहाँ पे लास्ट में इसके, और यहाँ पे प्लस कर लीजिए। देन इसे स्क्रॉल करके आपको इस साइड में कर देना है परफेक्टली, यहाँ पे इस साइड से इस साइड कर दीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। तो अभी आप इसे अगर प्ले करते हो तो कुछ ही तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट आ रहा है, तो ज़्यादा फास्ट अगर आपको लगे तो इसे थोड़ा और आगे कर लीजिएगा। यहाँ पे लाइन छोटा छोटा है इसलिए मैं इसे थोड़ा कम रखा हूँ, तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा। देन ये टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट थोड़ा पहले आ जाइएगा, लेयर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको मीडिया में जाना है, मीडिया में जाने के बाद इमेज में जाना है, एक तो ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट जितना बड़ा है उससे थोड़ा छोटा ही इसे रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। ट्रिमर पर क्लिक करेंगे, इसे टर्म टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देंगे। इसके बाद इसे सेलेक्ट करके इस तरह से पूरे स्क्रीन पर कर लीजिएगा, एकदम बराबर में देख सकते हैं इस तरह से। देन यहाँ से बैक आइएगा, बैक आने नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्रॉपिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर सेलेक्ट कीजिएगा, इसे मास्क को इनेबल कीजिए, इसे 25 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते ये रहा 25,
ठीक है। देन आपको यहाँ से बैक आना है, इस साइड में परफेक्टली आ जाना है, डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको आगे आ जाना है जहाँ पिंच बॉल का वाला जो सेकेंड की लगाया था वहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे एक तो की लगाइएगा, देन इसे स्क्रॉल करके इस साइड में परफेक्टली इस साइड में पूरी तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। इसका काम हो गया, अभी आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट से पहले थोड़ा सा आ रहा है, तो इसे थोड़ा और आगे करेंगे। टेक्स्ट से पहले आपको ये ब्लैक वाला जो इमेज है उसे टेक्स्ट से थोड़ा आगे तक रखना है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे थोड़ा पहले की आगे जा रहा है, तो इसे थोड़ा इस साइड में कर लेते हैं ताकि की टेक्स्ट के बाद आए। देख सकते हैं यहाँ पे अब ये सही आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे आएगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब आपको क्या करना है, ये जो इसमें की लगाए थे वहाँ जहाँ से इफेक्ट इसका ख़त्म हो रहा है उसके बराबर में आ जाइएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, लेयर्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर से इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, यहाँ स्पॉट लाइट्स करके ये वाला ऑप्शन मिलता है, इसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, देन यहाँ पे इसका 8 नंबर जो है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फैंस इसे आपको टेक्स्ट के बराबर में लेकर आ जाना है, बस उतना ही रखिएगा जितना टेक्स्ट है, और यहाँ से बैक आइएगा, ट्रिमो पे क्लिक कीजिएगा और इसे टर्म टू रेट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए, बस हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब इसे आपको नीचे की तरफ इस तरह से यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से बैक आइए, बैक में नीचे स्क्रॉल कीजिए, ब्लेंडिंग में जाइएगा, देन यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन आता है, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टेक्स्ट के बराबर में ही इसे रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से रख लीजिएगा, देन यहाँ पे ये जो स्टिकर लिए उसके बराबर में आ जाइएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिए, फिर से इसे सेलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन के ऊपर की का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक कीजिएगा, जस्ट थोड़ा सा आगे जाइएगा और यहाँ पे प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे स्क्रॉल करके इस तरह से लास्ट में कर दीजिए, टेक्स्ट का पूरा लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट तक यहाँ तक लेकर आ जाएंगे इस तरह से, देन आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट करना है, देन फिर से 1 डुप्लीकेट करना है, फिर से 1 डुप्लीकेट करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 डुप्लीकेट कर दीजिएगा, अभी आप इसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइटिंग इसका जो है सो मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेक्स्ट पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे इफेक्ट अभी रह गया है, तो इसे हम थोड़ा और आगे करेंगे, की पे जाते हैं और इसे आगे कर देते हैं, तो एक एक करके फिर से करना होगा, तो इससे अच्छा है कि हम सबको डिलीट कर दें, फिर से कॉपी कर लेंगे। तो ये रहा और यहाँ पे ये गायब होगा, तो फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, यानी इसका डुप्लीकेट कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर 4 डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। अभी आप इसे प्ले कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले के लिए इफेक्ट लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसी पे सेलेक्ट कीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, इसका डुप्लीकेट कर लीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को सेलेक्ट कीजिएगा, आगे तक लेकर आ जाइएगा और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इतना पे। अब ये सेकेंड वाला की जो है सो यहाँ पे ये टेक्स्ट छोटा है तो की थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आपको की पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस की को हटाकर थोड़ा आगे कर लीजिएगा और यहाँ पे की लगा सॉरी की पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है और फिर इसे यहाँ पे टेक्स्ट को आगे कर देना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे पूरा लास्ट तक लेकर इसे आ जाइएगा और राइट क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वाले को यहाँ पे जो ये वाला इफेक्ट्स लगाए थे उसे भी सेलेक्ट कीजिए, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट कीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को सेलेक्ट कीजिएगा और आगे लेकर आ जाइएगा। आगे लेकर आने के बाद यहाँ पे इसमें इफेक्ट ऑटोमेटिक ही लग गया, देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ऑटोमेटिक ही लग गया, तो बस इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से हो गया। देन एस ये जो स्पॉटलाइट वाला है इसे भी सेलेक्ट कीजिए, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट कीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को सेलेक्ट कीजिएगा और इसे आगे लेकर आ जाइएगा और फिर ये इफेक्ट जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है इफेक्ट्स वाला और ब्लैक स्क्रीन वाला, तो उसके बराबर में इसे रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी तरह से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। फिर इसे स्पॉटलाइट को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे फिर से आपको इसको डुप्लीकेट करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर से डुप्लीकेट करना है, फिर से डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह से हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन जैसे होगा इसी तरह से आपको कॉपी करना है और सिर्फ वहाँ पर डुप्लीकेट करके उसे पेस्ट करते चले जाना, तो इस तरह से पूरा लाइन कर दीजिएगा, तो आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने 2 टेक्स्ट में ही बताया, अब पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इसी तरह से आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन थोड़ा इसमें टाइम लगेगा बट काफ़ी क्रिएटिव है, स्टेटस वीडियो बनकर ये तैयार हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी, दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको पसंद है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए इस वाले एरो पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर टाइप कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इसका प्रोजेक्ट फाइल मैंने आपको दे दिया, अगर आप चाहें तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाए।